नमस्कार आपसे, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत कर लीजिए और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि पत्नी जो है वो ससुराल में रहने का अधिकार खो देती है। कब, मतलब कब खत्म हो जाता है उसका अधिकार ससुराल में रहने का। इससे पहले मैं छोटी सी आपको बात बताना चाहूंगा क्योंकि इन सब चीजों को रिलेट करने का संबंध जो है वो कहीं ना कहीं उन केसेस से है जिस केसेस के बारे में आप समझ पा रहे हैं। क्योंकि महिला के पास में कानूनी अधिकार दिया गया है तो वो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकती हैं, कर लेती हैं और झूठ बोलकर वो मुकदमा दर्ज करा देती हैं। तो जो महिलाएं झूठी हैं या फिर झूठ बोलकर मुकदमा दर्ज करवा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ कानून का और ससुराल का ही नुकसान नहीं कर रही हैं, वो अपना भी नुकसान कर रही हैं, वो अपने पैरों पर भी कुल्हाड़ी मार रही हैं। आप ये सोचकर देखिए कि जब आपने पति या पति के परिवार वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, उसके बाद मुकदमा दर्ज कराने के बाद आपका क्या मन करेगा उसमें जाने का। फिर भी कुछ महिलाएं जाती हैं उस ससुराल में जाने की, नहीं सर मुझे तो वहीं रहना है, मैंने मुकदमा कर दिया लेकिन अब मैं मुझे वो रख नहीं रहे। अरे जब आपने मुकदमा कर दिया तो वो किस तरीके से आपको रख पाएंगे, किस तरीके से? क्योंकि मैं आपको वो नहीं चिता रहा हूँ किसी के फेवर में, नहीं, बस ये बता जा रहा हूँ कि जब महिला एक झूठे आधारों पर मुकदमा दर्ज कर देती है, करा देती है, क्योंकि पुलिस दर्ज कर लेती है नहीं तो कोर्ट दर्ज कर लेती है, मेंटेनेंस डीबी जैसे मुकदमे दर्ज होते हैं। अब मुकदमे दर्ज होने के बाद जो है आपको, आप उनकी साइड से भी ये सोचिए कि जब आपके ऊपर कोई मुकदमा कर देगा तो क्या आपको उससे भय लगना शुरू नहीं हो जाएगा? इसी भय के चलते हुए जो ससुराल पक्ष है वो ये सोचता है कि जब मेरी बहू ने, मेरे बेटे की बहू ने या फिर मेरी पत्नी ने जो मुकदमे दर्ज करा दिए हैं जिसमें झूठ बोलकर, पूरा झूठ झूठ बोला है, तो वो अब कल को अगर मेरे घर आ जाएगी तो क्या वो और मुकदमे नहीं करा सकती है? क्या वो और बड़ा झूठ बोलकर कोई बड़ा मुकदमा नहीं दर्ज करा सकती है? तो ये सोच हो जाती है जब आप झूठा मुकदमा पति या पति के परिवार वालों के खिलाफ दर्ज करा देती हैं। अब यहां पर आपके मन में ये भी आता है सर करें तो करें क्या? आप हर प्रकार से हर कोशिश करिए पति के साथ रहने की, क्योंकि आपने शादी जो करी है वो ससुराल में रहने के लिए करी है, ना कि कोर्ट में रहने के लिए। क्योंकि आप अपना जीवन अपने आप ही कहीं ना कहीं नरक बना लेते हैं और साथ साथ बना लेते हैं दूसरे का भी। आप कानून का मतलब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको मिसयूज कर रहे हैं। आप सोचकर देखिए कि आपको क्या शादी आपने मेंटेनेंस लेने के लिए करी थी? क्या आपने दहेज का मुकदमा करने के लिए शादी करी थी? नहीं करी थी ना। तो आप उन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। अगर आप मुकदमा दर्ज करा देती हैं और ससुराल में फिर रहने का अधिकार आप मांगती हैं कि मुझे ससुराल में रखा जाए, मुझे रहा जाए वहाँ पर, तो फिर आप कहीं ना कहीं वो अधिकार खो देती हैं। अब कारण क्या है? जब ससुराल में आप सोचती हैं कि मुझे ससुराल में रहना है, वहीं रहना है, मुकदमे चाहे आपने कई कर दिए हों लेकिन फिर भी वहीं रहना है, तो आपको वहाँ रहने के लिए आपने मुकदमे क्यों किए? और अगर मान लीजिए आप कर दिए तो सोच कर देखिए दूसरे व्यक्ति पर, दूसरे पार्टी पर जो आपका पति पक्ष है उस पर क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। अब मैं ससुराल पक्ष से बता देता हूँ, जब ससुराल में कोई महिला जबरन घुसने की कोशिश करे या फिर आप सोचते हैं कि भाई मैं जबरन घुस जाऊँगी घर में, मैं वहीं पर रहूँगी या फिर कुछ और दबंगगिरी दिखाते हैं, तो वो सब चीज़ें दिखाने से आप सोच कर देखिए कि जो ससुराल पक्ष है वो आपके ऊपर ट्रेसपास यानी कि सेक्शन 448 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। क्योंकि आपने शादी अपने पति से करी ना कि ससुराल वालों से। अगर आपका शादी आपने पति से करी है और वो मकान जिस मकान में आप रहना चाहती हैं वो पति के नाम नहीं है, सास के नाम है, ससुराल ससुर के नाम है या नंद के नाम है या किसी और व्यक्ति के नाम है, पति को छोड़कर अन्य व्यक्ति, तो वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के आप घर में जबरन घुसना चाहती हैं या चाह रही हैं या घुस रही हैं, वो व्यक्ति आप पे 448 आईपीसी के तहत इलीगल ट्रेसपास के तहत जो है आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करा सकता है और आपको 1 साल की सजा और फाइन भी हो सकता है। तो जबरन आप नहीं घुस सकते, आप जबरन का जो अधिकार है ससुराल में रहने का, जैसे ही आप मुकदमा दर्ज कराते हैं वो कहीं ना कहीं वो खोना शुरू हो जाता है, वो रिश्ते टूटना शुरू हो जाते हैं। और उन रिश्तों को बनाने के लिए आपने कोशिश नहीं करी लेकिन कहीं ना कहीं मुकदमे दर्ज कराने की कोशिश आपने बहुत अच्छे से करी। तो मुकदमा दर्ज हो गया तो कहीं ना कहीं आपने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, अपना ही आपने जो जीवन था वो खुद खो लिया और खुद खराब कर लिया। तो आप मुकदमा ना करने से बेहतर है कि आप अपने पति के साथ बातचीत करें, ससुराल के पक्ष के साथ बातचीत करें और वो क्या चाहते हैं। क्योंकि आपको उस घर में रहना है तो उस घर के कानून, उस घर के नियम, उस घर के जो आचरण है उन सबको समझना है और समझने के दौरान जो है वो आपको अपना परिवार अपने हिसाब से चलाना है। लेकिन अगर सोचें कि आप नहीं, मुझे मुकदमे के बल पर जीतना है, मुकदमा लगाऊंगी तो आप सबके सब नाक रगड़ेंगे, तो ये आप गलत सोचते हैं। आपको वो नहीं सोचना चाहिए।
पत्नी का मतलब ये होता है कि उसके दुख और सुख में साथी बने, ये नहीं कि सिर्फ दुख उसने दुख की बाढ़ लगा दी और अब जो है पूरा घर परिवार इतना परेशान हो गया कि भागा फिर रहा है, कोई जमानत करा रहा है, कोई नोटिस आ रहा है, कोई सम्मन आ रहा है, कभी वारंट आ रहा है, तो कुछ भी ना आपके पास लगातार ही है। हालांकि हर व्यक्ति जो है बुरी से बुरी परिस्थिति को झेल कर बाहर तो निकल जाता है, लेकिन आपको ये भी सोचना है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आप बुरे से बुरा आप करेंगे तो वो बुरा आपके साथ में भी आज ना तो कल होने वाला है, क्योंकि ईश्वर कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों की सजा आपको भी देगा। क्योंकि आप अगर निर्दोष को किसी को गलत कर रहे हैं या निर्दोष के साथ में आप वो चीज़ें कर रहे हैं तो आप ये मत समझिए कि आपको भी छोड़ दिया जाएगा, ले नहीं, कहीं ना कहीं आपको भी वो चीज़ें दंड आपको मिल जाएगा और दंड उनको मिल भी जाता है। आप कोर्ट कचहरी में जाकर देखेंगे तो महिलाओं की लाइन लग रही है, भीड़ लग रही है, परिवार पूरे टूटे पड़े हैं और वहाँ पर जाकर हर व्यक्ति जो वो शांत हो जाता है कि अब कोर्ट के ऊपर है जो भी जीवन हमारा है। तो आप कोर्ट के ऊपर ना छोड़कर स्वयं अपने लिए ऊपर लीजिए कि मेरा जीवन है, मैं खुद जीऊंगी, अपने पति के साथ जीऊंगी, हर हालात में जीऊंगी। तो जैसे आप चाहते हैं वैसा ना करके आप अपने अधिकारों को साथ रखिए और अपने अधिकारों के अनुसार अपने जो कानूनी प्रक्रिया उसको छोड़कर अपने साथ अपने पति के साथ रहिए और वहीं पर आपका जीवन गुजारा होगा। और मैं सोचूंगा कि आपने कुछ सीखा इस वीडियो से तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और भी लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोग समझ सकें कि बाकी सिचुएशन क्या है और किस तरीके से हमको वो हैंडल करनी है। आज का वीडियो से आपसे बहुत धन्यवाद।